अस्सलाम वालेकुम माय YouTube फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अब सर्दी बहुत है। आज मैं कुछ नया लाई हूँ और वो है 3D सराय थर का व्लॉग। आप भी हैरान होंगे कि ये क्या है। और आप तो दोस्तों, ये मेरा सोशल स्टडीज का प्रोजेक्ट है जो मैंने और अम्मा ने मिलकर बनाया है। ये देखें, और बहुत मेहनत लगी है इसमें, बहुत ज़्यादा मेहनत। और ये देखिए कितने मिट्टी के पहाड़ हैं छोटे छोटे। ये कैक्टस देखिए, ओ ये देखिए, ये हर्ट्स देखिए। यहाँ पे ये हर्ट्स इसलिए वाइट होते हैं ताकि ये अंदर से ठंडे रहें। और ऊपर आप देख सकते हैं ग्लू गन से मैंने इसको जोड़ा था, और ऊपर वो जो ड्राई बुशेस वगैरह नहीं होती वो लगा दी थी। हाँ, ये देखें पीछे पहाड़ के तो डरने लग रहे हैं बेचारे कैमरास ऊपर देखने के, पता नहीं बारिश हो जाए। ये शाम देखिए, ये बेचारा सूखा दरख्त। तो सब यहाँ पे पानी का कोई सोर्स नहीं है सिवाय एक सोर्स है पानी का, वो है बारिश। ये देखिए मैंने यहाँ पे बादल बनाए हैं, 3D बादल बनाए हैं, और पहाड़ नीचे कितने डरने लग रहे हैं। और अब मैं आपको फुल दिखा रही हूँ मेरा प्रोजेक्ट। देखिए कितनी मिट्टी है यहाँ पे, और बहुत गर्म होता है ये यहाँ पे। और अम्मा, और ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही है ना, ग्लूगन ये वगैरह, इसको ना साइड पे कर दें, छोड़ दें, इग्नोर क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी थी क्योंकि अम्मा का हाथ बर्न हो गया था ये करते करते। मैं आपको ये टिल्ट करके दिखा रही हूँ, आप भी अपना फ़ोन टिल्ट कर दें ताकि आपको सही नज़र आ जाए। आप भी कह रहे होंगे पता नहीं लाहा ने हमारी गर्दन घुमा दी ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है। और ये देखिए कैक्टस, यहाँ पे बारिश होती नहीं है और यहाँ पे पत्ते भी नहीं है कैक्टस के इतने। और आप ये देखिए कितने, मुझे तो बहुत डरने लग रहे हैं पहाड़। और ये देखिए मैंने क्लाउड बनाए हैं, और ये कितने फ्लफी से क्लाउड लग रहे हैं, ये कितना मुझे बहुत अच्छा लगा है ये। और आपको पता है सराय थर में हर वक्त गर्मी होती है, वहाँ पे कभी भी सर्दी नहीं होती। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। और मिस्टर शाम देखिए ज़रा, वेट कर रहे हैं कि बारिश हो जाए कहीं ना कहीं से। और ये जो आप क्लाउड्स देख रहे हैं ना, कॉटन से बने हैं। और ये जो मैं आपके घर का बताती हूँ, जो घर है इनके, मैंने पहले इनके बेस नीचे से क्ले से बनाई है, प्लेटो से यानी, और ऊपर ग्लू गन से इसको चिपका दिया है, क्या कहते हैं प्लेटो से इसका वो यूँ राउंड करके चिपका दिया ग्लू गन से इसके ऊपर। और ड्राई बुशेस नहीं है तो उसके ऊपर मैंने चिपका दिए, ठीक है। और ये मेरा सोशल स्टडीज का प्रोजेक्ट है। और अगर आपको मैं ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, मेरा मतलब व्लॉग बहुत अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। और आपने कहना है नाइस प्रोजेक्ट लाहा।